So my name is Anjali Shaili, and in Top FM, I am the gossip queen because I do a special Bollywood show here. So first of all, welcome to Top FM virtually. Thank you so much. Thank you. Yes, and for this Diwali, we are doing a special segment that is Ye Diwali Sitaro Wali. How are you, and what kind of Diwali vibes are there around you? So let's start with that. Yes. Yeah, I'm fine. और मुझे बहुत खुशी है कि इस बार दिवाली अच्छा ही होगा बिकॉज कोरोना इज गोइंग बैक एंड सब कुछ खुल रहा है, लोगों में फिर से जोश आ रहा है. सो आई विश एंड आई होप कि इट विल बी गुड. यस, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी लाइक लास्ट ईयर जो हमने सब कुछ मिस आउट किया है उसके कंपैरिजन में इस बार एवरीबॉडी सो पॉजिटिव और जो आसपास का माहौल है दैट इज आल्सो लाइक वेरी मच नाइस. सो ऐसा ही माहौल आपके आसपास भी है अभी? बिल्कुल, लोग तो एकदम फुल ऑन जोश, एकदम लोग जो है बहुत खुश है, चाहते हैं बिकॉज पेंडेमिक में करीब ऑलमोस्ट 2 इयर्स घर पे बैठे बैठे सब लोग एकदम से पता नहीं क्या करेंगे. पीपल आर मैड. सो अभी जो अभी धीरे धीरे सब ठीक हो रहे हैं, कोरोना भी अभी बहुत कम हो गया है, जीरो ऑलमोस्ट जीरो में आ गया है. तो लोग चाहते हैं कुछ कुछ करे और दिवाली आ रही है. सो इट्स ग्रेट थिंग. अगर मैं आपको पूछूं तो आपके वहां दिवाली को लेके क्या प्रेपरेशंस चल रहे हैं? आई मीन यू नो हमारे यहाँ तो अभी अभी से दिवाली वाला माहौल है ऐसा है बिकॉज एडवांस प्रेपरेशंस हमारे तो बहुत चल रहे हैं. तो व्हाट काइंड ऑफ प्रेपरेशंस आर गोइंग ऑन at your place? दिल से बहुत खुश हूँ और बस मेरा तो मुझे तो ये खुशी है कि अभी शोज का काफी इंक्वायरीज आ रहे हैं तो प्रिपरेशन प्रोग्राम की तैयारी कर रही हूँ और खुशी है कि निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, पब्लिक के साथ प्रोग्राम करेंगे. ऑनलाइन प्रोग्राम बहुत हो गया है, अभी फेस टू फेस लोग रहेंगे, ऑडियंस के सामने प्रोग्राम करेंगे, दैट विल बी ग्रेट थिंग. या सो अगर मैं आपको दिवाली के बारे में ही पूछूं तो एनी ऑफ योर मोस्ट मेमोरेबल दिवाली टिल नाउ के ऐसी कोई दिवाली जो आपको आज तक आपकी याद रह गई हो? ऑफ कोर्स ऐसे तो बहुत यादें हैं लेकिन एक इंसिडेंट मुझे याद है. आई वाज इन सुरिनाम साउथ अमेरिका, आई वाज म्यूजिक टीचर देयर और वहां पर जो इंडियंस है वो दिवाली और भी ज्यादा जोश के साथ मनाते हैं बिकॉज दे आर मिसिंग इंडिया. तो वहां पर बहुत सारे मतलब इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम हमने किया है. एक दिन में 4 प्रोग्राम किया, 4 जगह अटेंड किया और पार्टिसिपेंट किया और बहुत अच्छा से एकदम से नॉर्मली यहाँ पर हम इतना ज्यादा इंडियनाइज अपने को नहीं समझते, बाहर जाने के बाद और ज्यादा समझते हैं. एकदम साड़ी पहन के, एक चूड़िया पहन के, एकदम से बाल बाल खुल कर, मेरा लंबा बाल था, बिंदिया लगा के एकदम टोटली टिपिकल इंडियन बन के किया था और सब लोग अरे देवी जी आप कितनी खूबसूरत लग रही है. वो बात मुझे याद है, देवी जी आप कितनी खूबसूरत लग रही है. व्हाट काइंड ऑफ फूड फैसिनेट्स यू के दिवाली है तो ये खाने में बड़ा मजा आता है? देखो ऐसे पूछो तो जितने अनहेल्दी फूड मुझे पसंद है, मिठाई पसंद है, मतलब डीप फ्राई पसंद है, समोसा, भुजिया, जितने सब जो मुझे नहीं खाना चाहिए, हम लोग को अवॉइड करना चाहिए. हेल्थ कॉन्शियस, वी आर नाउ वेरी मच हेल्थ कॉन्शियस, बट मिठाइयाँ अच्छा लगता है जितना हो सके. मुझे लगता है एक दिन ऐसा होना चाहिए कि हम सारे नियम को भूल जाएं और खूब जितना हो सके मन मर्जी करें, खूब मिठाई खाएं, बहुत कुछ जो नहीं करती हूँ वही करें. When I ask you about Diwali, तो what is that one thing के जो you know आपकी childhood से लेकर आज तक change नहीं हुई है, कि बचपन से लेकर आज तक every Diwali that one thing that you continuously you are doing it. So what can that be? एक तो जो है खाना जो है, एक तो है जो खाना, वो हम उसमें बिल्कुल पाबंदी नहीं लगाते, जो मन में है खाते हैं, जो भी मिठाइयाँ मिलता है मैं खाती हूँ और पूजा करती हूँ. मेरा पूजा ये है गाना गाना देवी के सामने, बस दिया जला के गाना गाना, ये 2 चीज मैं कभी मिस नहीं करती हूँ, खास करके दिवाली के दिन. एंड बिकॉज वी हैव टॉक्ड अबाउट कान्हा सो जा जरा, तो आई विल डेफिनेटली वुड लव टू लिसन दैट सॉन्ग लाइक लिटरली फेस टू फेस.
सो प्लीज उसके दो लाइन वैसे अमेजिंग सॉन्ग एब्सोल्युटली अमेजिंग सॉन्ग इस सॉन्ग के बारे में जरूर बताना चाहूंगी. ये गाना जो है कभी टेलीविजन में आप प्रोमो नहीं देखेंगे इस गाने का, कभी इस गाने को प्रोमोट नहीं किया गया, लेकिन ये गाना आई थिंक विदाउट प्रोमोशन करीब 40 करोड़ हिट सॉन्ग. एंड द फनी थिंग इज व्हेन आई वाज रिकॉर्डिंग दिस सॉन्ग द म्यूजिक डायरेक्टर एम एम किरवानी जी टोल्ड मी मधुशी जी आपको ये गाना गाना है, एक क्लासिकल स्टाइल का गाना है. तो मैंने कहा अच्छा, लेकिन मैं तो लोग मुझे रोमांटिक गाने के लिए बुलाते हैं. तो ही टोल्ड मी इट इज अ रोमांटिक भजन. मुहे मुहे ऐसे नहीं छेड़ो सांवरे, सुनो सुनो मासे नहीं खेलो दावरे, जाके यशोदा से कह दो गिरे, कान्हा सो जा सरा, कान्हा सो जा सरा, लुक छुप के तकियो ना मोही, कान्हा सो जा सरा, कान्हा सो जा सरा, नैनो से ना छो ना मोही, कान्हा सो जा सरा, कान्हा सो जा सरा, मुरबंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मुरबंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, कान्हा सो जा सरा, कान्हा सो जा सरा. And you really have a sweet voice, so you know I just want to ask that मिठाई खाने से मीठा आवाज होता है या मिठाई अवॉइड करने से होता है? नहीं, मिठाई नहीं खाना चाहिए. मिठाई खाने से मीठा तो होता है, लेकिन उसके बाद यही इतने भी मीठा हो जाते हैं. How did you started with music? मतलब मेरे लिए memories इतनी special है, तो I am sure that you must be having like really sweet stories behind music. Because आपने आपके फादर से सीखा है म्यूजिक, so tell us something about that. Actually, Shelley, I'm coming from a musical family. Yeah. जब मुझे होश मैं संभाली, तभी मैंने देखा घर में जो है म्यूजिक का माहौल है. और मैं गाती थी, कितने साल में स्टार्ट किया मुझे मालूम नहीं है. मम्मी कहती 3-3.5 साल में से मैं गाना गाती थी. और 5 साल की उम्र में मैंने स्टेज प्रोग्राम किया. तो लोग तो बहुत कुछ कहते थे, शी वाज वंडर चाइल्ड, ऐसा मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलते थे, मुझे याद नहीं एक्चुअली. और वी आर 4 सिस्टर्स, चारों बहनें गाती थे. लेकिन मुझे लगता था, डैडी ने सोचा कि ये स्पेशल है, इनको हम प्रोफेशनल सिंगर बनाएंगे. तो पूरे तैयारी करते थे लोग, प्रैक्टिस कराते थे. मुझे मालूम है डैडी मुझे बहुत प्रैक्टिस कराते थे. 6-6 घंटा मैं क्लासिकल प्रैक्टिस करती थी. मतलब इतना प्रैक्टिस करते गला घिस जाता था. लेकिन डैडी ने कहा, हाँ डैडी कहा नहीं, प्रैक्टिस, ये बचपन का जो प्रैक्टिस है ये तुम्हें आगे जाके काम आएगा. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू माय डैड कि उन्होंने मुझे इतना प्रैक्टिस करवाया. तभी जब आज भी लोग मुझे कहते हैं बाहुबली के गाने के बाद, इवन अभी जो अपकमिंग फिल्म आ रही है उसमें भी, यू आर साउंडिंग वेरी यंग, हाउ इट इज पॉसिबल? दैट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस. इफ यू प्रैक्टिस अब अच्छा से करो, वो प्रैक्टिस ही काम आता है. एंड जगजीत सिंह जी, ही वाज यूज्ड टू टेल मी, मधुश्री, प्रैक्टिस 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 ही आर्टिस्ट के लिए काम आता है. तो बहुत प्रैक्टिस करते थे. और उसके बाद बट माय फादर वांटेड मी टू बी अ क्लासिकल सिंगर. सो मैंने क्लासिकल सीखा और क्लासिकल में प्रोग्राम किया. एंड आई गॉट ए जॉब फ्रॉम आईसीसीएल एज ए म्यूजिक टीचर कम परफॉर्मर इन साउथ अमेरिका. माय पोस्टिंग वाज इन साउथ अमेरिका. वहां पर क्या हुआ, वहां पर जब मैं क्लासिकल सिखाने जाती थी तो लोग वहां पर फिल्म से प्रभावित थे. वो लोग मुझे पूछते थे, दीदी मुझे फिल्म में गाना सिखा दो. तो मुझे हिंदी फिल्म में गाना तो मालूम नहीं था. तो उनको मैं क्लासिकल सिखाना चाहती थी, बट दे आर मोर इंटरेस्टेड इन फिल्म म्यूजिक. तो फिर मुझे, मैं क्या करती थी, मैं ढूंढती थी कौन सा गाना राग बेस है. तो राग बेस क्लासिकल गाना मैं उनको सिखाती थी. कहती देखो ये गाना मैंने तुम्हें सिखा, लेकिन ये राग है, तो राग को आपको क्लासिकल सीखना पड़ेगा. इस तरह से मैं उसको
इंटरेस्ट इंटरेस्ट में करा दी थी. यू हैव लाइक वर्कड विद रहमान सर लाइक मेनी टाइम्स, सो उनके साथ एज अ म्यूजिक डायरेक्टर काम करना, मतलब हाउ इज दैट एक्सपीरियंस, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी ही इज व्हेन ही इज क्रिएटिंग म्यूजिक? He's an amazing person. He's a very talented. उनके बारे में पूरी दुनिया जानती है, मैं क्या कहूँ. Very talented, very creative. और उनमें एक चीज है, हमेशा एक ही चीज में टिके नहीं रहते, हमेशा ट्राई करते, नए नए चीज ट्राई करते रहते हैं. न्यू सिंगर्स को ट्राई करते हैं, न्यू म्यूजिक को ट्राई करते हैं, न्यू साउंड को ट्राई करते हैं. ये बहुत अच्छी बात है. और मेरे साथ जो उनका एक्सपीरियंस है, करीब 12 साल का एक्सपीरियंस, लगातार हमने 12 इयर्स काम किया, बहुत काम किया. 32 सॉन्ग्स ऑलमोस्ट मैंने गाया, हिंदी, तमिल, तेलुगु. और ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. उस वक्त रहमान जी के पास बहुत टाइम होता था, तो एक एक गाना करीब तीन तीन चार चार दिन लगता था गाना बनाने में. तो मैं चेन्नई रुक जाती थी और उस दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा. एक बात उन्होंने मुझे कहा था कि मधुश्री, यू हैव यूनिक वॉइस, किसी को कॉपी मत करना, सबको सुनो लेकिन अपनी आवाज को इम्प्रूव करो, क्योंकि वही काम करेगा. एंड रिसेंटली योर सॉन्ग मीनाक्षी सुंदरेश्वर में तो यही है, द रीसेंट सॉन्ग व्हिच इज गोइंग टू बी आउट ऑन 5th of November ऑन OTT. सो व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस, भी जो रीसेंट आपका गाना जस्ट आया है? सबसे पहले तो ये कहूंगी, इट्स अ ग्रेट गिफ्ट फ्रॉम गॉड, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. ये मेरे लिए एक दिवाली गिफ्ट है और आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि आई गॉट ए ब्यूटीफुल सॉन्ग. इस गाने में बहुत सारी चीज है जो बहुत खूबसूरत है. एक तो ब्यूटीफुल ट्यून, मेलोडियस ट्यून, एंड इसका सोलफुल लिरिक्स. और उसमें जैसे कि कभी नीम नीम में एक रोमांटिक गाना है, लेकिन उसमें बहुत सारे न्यूएंसेंस है. कभी नीम नीम, कभी शहद शहद, कभी नरम नरम, कभी सत सत, कभी नीम नीम, कभी स्माइल है, नॉटीनेस है, रोमांटिक है, क्लासिक है, एवरीथिंग. तो इस गाने में भी एक नॉटीनेस है, रोमांस है. एंड ऑफ कोर्स सानिया मल्होत्रा. सानिया इज वेरी ब्यूटीफुल एंड शी इज वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस. पगलेट में उन्होंने कितना अच्छा काम किया. एंड व्हेन सानिया जैसे एक्ट्रेस के ऊपर एक फिल्म सॉन्ग है, तो इट बाउंस टू वर्क इन द फिल्म, टू द फिल्म. एंड द फिल्म हिट होगी तो गाना भी हिट ही होगा. गाना तो हिट होगा. एंड कनेक्टिंग विद दैट, आई विल डेफिनेटली रिक्वेस्ट यू कि उसके दो लाइंस हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स जब ये लोग देखेंगे तो उनके लिए हो जाए. तू यही है आँखों के कोने में, जागने सोने में यही है तू यही है हर पल रुसाने, मुझको मनाने यही है तू. माय को आरजे इज देयर, हर नेम इज आरजे लज्जा. And she Lajja has requested me के कभी नीम नीम कभी शहद शहद में, you know there is a part के लज्जा से मरे रे ये जिया. So she wants के आप वो वाला part गाओ, so जहाँ पे उसका नाम आता है. नजरों के तीर में बसा है प्यार, जब भी चलाए वो दिल के पार, लज्जा से मरे रे ये जिया. कभी नीम नीम, कभी शहद शहद, कभी नरम नरम, कभी सत सत, हमारा पिया पिया मुरा पिया, नजरों के तीर में बसा है प्यार, जब भी चला है वो दिल के पार, लज्जा से मरे रे ये जिया पिया, लज्जा से मरे रे ये जिया. That music director was absolutely right. इतने सालों में सच में कुछ भी नहीं बदला है. ये सॉन्ग भी नहीं,
आपकी आवाज भी नहीं, दैट एक्सप्रेशंस भी नहीं, और इमोशंस भी नहीं, कुछ भी नहीं बदला है. ही इज एब्सोल्युटली राइट. थैंक यू सो मच. जब मैं ये गाना सुन के, एज आई टोल्ड, कि मैं प्रैक्टिस क्या करती थी, तब भी यही ट्यून होता था, एंड आई एम फीलिंग सो लकी कि मैंने ये आपके ऐसे रॉ ऐसे सुन रही हूँ मैं आपके पास. अब मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, ये गाना गाओ, तू यही है, दो लाइन गा दीजिए मेरे लिए, मैं भी तो सुनूं. मैं वो वाला गाऊं, हम है इस पलिया, बिकॉज वो मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है. यस यस प्लीज सिंग. हम है इस पल यहां, जाने हो कल कहां, हम रही ना रही, हम मिले ना मिले, रहेगी सदा प्यार की ये दासता, सुनेंगे सदा जिसी ये जमीन आसमां. वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा गाया आपने. थैंक यू. मैं बहुत बोलूँ ना, सुंदर. मैंने आपके गाने बहुत सुने हैं, बहुत, फॉर स्पेशली फॉर दिस एक्सप्रेशन जो कभी नीम नीम में है, वो प्लेबैक का जो एक्सप्रेशन होता है वो सीखने के लिए मैंने आपके गाने बहुत फॉलो किए, एंड दिस हैज मेड माय डे, के आपने गाया मेरे लिए, मैंने गाया आपके लिए. नहीं नहीं थैंक यू सो मच. देखिए गाने में प्लेबैक सिंगिंग में मेन है एक्सप्रेशन. या एग्जैक्टली. क्योंकि आप क्या ड्रामा दे रहे हो. ये गाना तू यही है आंखों के कोने, नहीं उसमें तू यही है आंखों के कोने जागने सोने में, यही है तू, तू यही है हर पल रुसाने, मुझको मनाने, यही है तू. तो आई एम हैप्पी कि आफ्टर लॉन्ग टाइम इंडस्ट्री में इतना अच्छा एक रोमांटिक डुएट, सोलफुल गाना, साथ में पैपी भी है, वो गाना आ रहा है और मुझे गाने का मौका मिला है. And I hope ki sab log pasand karenge ye gana, bahut pasand karenge.